आपको कैथल से बड़ी खबर हम बताते हैं, जहां पर दिल्ली कूच को लेकर किसानों की बैठक को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैठक में किसानों ने रणनीति बनाई है, हर परिवार का एक सदस्य दिल्ली जाएगा, ये रणनीति बनाई गई है इस बैठक में। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं कैथल से, जहां पर किसानों ने रणनीति बनाई है, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली कूच को लेकर किसानों की तरफ से बैठक हुई और उसमें ये रणनीति बनाई गई है कि दरअसल हर एक परिवार से एक सदस्य दिल्ली जाएगा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त कैथल से आपकी टीवी स्क्रीन पर। बैठक में किसानों ने रणनीति बनाई है कि हर एक परिवार से एक सदस्य दिल्ली जरूर जाएगा, ये इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। लगातार किसान तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक के बाद एक तरीके किसान अपना रहे हैं कि किसी तरह से सरकार पर दबाव बनाया जाए, और उसी दिशा में ये बैठक हुई है किसानों की, जिसमें रणनीति बनाई गई है कि हर परिवार का एक सदस्य दिल्ली जरूर जाएगा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तमाम तरीके किसानों की तरफ से अपनाए जा रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने की दिशा में। अब ऐसे में ये बैठक हुई है कैथल के अंदर किसानों की, जिसमें ये तय किया गया है कि हर परिवार से एक सदस्य दिल्ली जरूर जाएगा, ये बड़ी खबर हम आपको कैथल से बता रहे हैं इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल बैठक में किसानों ने रणनीति बनाई है कि हर परिवार से एक सदस्य दिल्ली जाएगा और किसान आंदोलन में हिस्सा लेगा। 53वां दिन है आज किसान आंदोलन का दिल्ली के अंदर, लेकिन इसी बीच दिल्ली कूच को लेकर किसानों की बैठक हुई है। मनोज मलिक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, किसानों की बैठक हुई है और उसमें रणनीति ये बनाई गई है कि हर परिवार का एक सदस्य दिल्ली जाएगा, जानकारी क्या मिली आपको, विस्तार से आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आज 12 बजे के आसपास जो एक मीटिंग की गई किसानों की, और दिल्ली जो कूच करना है 26 तारीख को, उसको लेकर आज पूरी तैयारी की गई है और अलग अलग ड्यूटियां भी लगाई गई है, और गांव को लेकर कैथल जिले के गांव को लेकर कितने ट्रैक्टर वहां पर जाएंगे उनकी संख्या की गिनती भी की गई है, अभी कौन कितने गांव से ट्रैक्टर जाएंगे। उसके साथ साथ एक फैसला भी कैथल में ये लिया गया है किसानों द्वारा कि हर परिवार से एक सदस्य दिल्ली कूच के लिए जरूर जाएगा, उसके लिए एक टीम गठित की गई है। उसमें अलग अलग जो कार्यकारिणी है भारतीय किसान यूनियन की, उन सदस्यों के नाम भी यहाँ पर नोट किए गए हैं कि किस किस की कहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को लेकर तो कैथल जिले से हजारों की संख्या में जो किसान है और महिलाएं हैं वो ज्यादा संख्या में कैथल से कूच करेंगे। जी बिल्कुल, और मनोज जिस तरह से एक के बाद एक तमाम लोग आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, ये दर्शाता है कि आंदोलन जल्द खत्म नहीं होने वाला है। शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, वाकई रहा और मुश्किल होती हुई।